नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज़ ऑन एडवांस ट्यूटोरियल्स इन पीएचपी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप हिंटिंग। तो टाइप हिंटिंग क्या होती है दोस्तों? जैसा कि आपने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन होता था। जैसे कि जहाँ भी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंट स्पेस ए करते थे, या अगर करेक्टर टाइप का करना है तो कैर करते थे, या स्ट्रिंग के लिए भी यूज होता है। इसी तरह से कि जहाँ जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ हम लोग उसका डाटा टाइप भी डिक्लेयर करते थे। लेकिन टाइप हिंटिंग दोस्तों उससे थोड़ी सी अलग होती है, और पीएचपी में उसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। टाइप हिंटिंग होती है कि जहाँ पे हम जैसे जहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे तो हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर आपने इंटीजर दिया है तो वो इंटीजर का वेरिएबल बन जाएगा, अगर आपने स्ट्रिंग दिया है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन टाइप हिंटिंग होती है जहाँ आप वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन टेस्ट हम बना देते हैं, तो यहाँ जो आप वेरिएबल रिसीव करते हैं पैरामीटर एज अ पैरामीटर, वहाँ पे आप लोग टाइप हिंट करते हैं कि ये किस तरह का होगा। जैसे कि सी में हम लोग करते थे आई एन टी इंटीजर के लिए, या करेक्टर टाइप का पॉइंटर हम लेते थे इस तरह से। तो इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए तो पीएचपी सपोर्ट नहीं करती, जैसे मैंने बताया कि उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो एरे टाइप की जो है सपोर्ट करती है। उसको हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, एरे स्पेस डॉलर ARR। और इसका यूज़ क्या होता है, मान लीजिए हमने अभी मैं ये डिक्लेयर नहीं करता हूँ, और इसमें हम लोग सिंपली जो भी हमारे इसमें एरे में रिसीव होगी उसको हम लोग टेबल में प्रिंट करा देते हैं, फॉर ईच डॉलर ARR एज डॉलर ए या डॉलर के एंड डॉलर वी इको TD डॉलर के TD डॉलर वी TR इस तरह से। ओके, और हम यहाँ पे नई एरे बनाई हमने, डॉलर एरे इज इक्वल टू ABC XYZ XYZ। और जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं टेस्ट, और इसमें ये एरे जो है वेरिएबल हमारा पास कर देते हैं, और इस कोड को हम लोग रन करते हैं, तो वो ये क्या हो गया, टीडी टीडी टी आर। ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे। चला क्यों नहीं है भाई, ये गलत क्या आया? TR TD TD क्लोज क्लोज। अरे यार, यहाँ मैंने TD क्लोज किया, यहाँ पे TD क्लोज नहीं किया, अभी भी नहीं चला। इससे पहले हम लोग टेबल ओपन करा दें शायद। हाँ ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा फंक्शन जो है काम कर रहा है अभी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे मैंने एरे में ABC XYZ की जगह एक स्ट्रिंग दे दी तो क्या होगा, तो क्या ये फंक्शन काम करेगा? यहाँ पे वार्निंग आ गई कि इनवैलिड आर्गुमेंट सप्लाइड फॉर फॉर ईच। कोड एग्जीक्यूट हुआ लेकिन उसमें एक वार्निंग आ गई, इनवैलिड आर्गुमेंट सप्लाइड फॉर फॉर ईच। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग टाइप हिंट कर दें कि हमें यहाँ पे जो वेरिएबल चाहिए वो एरे टाइप का ही होना चाहिए। उसके लिए आपने सिंपली इसके आगे एरे लिख दिया, तो वो टाइप हिंटिंग हो गई। अब आप इसको रन करेंगे तो फेटल एरर आती है, वार्निंग नहीं आती है। फेटल एरर का मतलब है कि आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये काम नहीं किया, चलो उसको बाद में देखेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको एरर देखिए, आर्गुमेंट वन पास टू टेस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप अरे स्ट्रिंग गिवन, कि यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन में वेरिएबल देना है
वो अरे टाइप का ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपने ये फंक्शन रन किया और ये कोड एग्जीक्यूशन पे आता है यहाँ पे, तो वो पहले जो हो रहा था वो यहाँ पे आ रहा था फोर इच पे, आपने देखा कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट टू फोर इच गिवन, यहाँ एरर आ रहा था, लेकिन अब वो एरर यहीं पे ही रुक जाता है जब आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे आने के बाद वो देखता है यहाँ पे अरे चाहिए हमें, लेकिन अरे तो दिया नहीं, तो यहीं पे हॉल्ट हो जाता है और फेटल एरर आ जाती है। ये होती है दोस्तों टाइप हिंटिंग। और टाइप हिंटिंग में सिर्फ एरे ही नहीं, इसके साथ में वो जो मेन यूज़ है पीएचपी में वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप्स के साथ, यानी कि क्लास नेम्स के साथ। उसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए उसी उसके लिए भी हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट। और उसके लिए पहले हम लोग एक दो क्लासेस बना लेते हैं। मान लीजिए हमने क्लास बनाई एबीसी, इसमें एक पब्लिक फंक्शन बनाया डू समथिंग, ठीक है, इसमें से मैं सिंपली इको करा देता हूँ डूइंग समथिंग इस तरह से। और यहाँ पे जब हम रिसीव करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं और उस वेरिएबल पे हम लोग फंक्शन कॉल कर देते हैं डू समथिंग इस तरह से। और यहाँ हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ए बी सी इज इक्वल टू न्यू ए बी सी, और इसको एज अ पैरामीटर दे दिया हमने टेस्ट फंक्शन में। और जब हम इसको रन करेंगे तो डूइंग समथिंग वो फंक्शन हमारा कॉल हो गया, ओके है। लेकिन यहीं पे अगर वही चीज़ हम करें कि डॉलर ए बी सी की जगह मान लीजिए एक और मैंने क्लास बनाई एक्स वाई जेड पब्लिक फंक्शन डू समथिंग एल्स, यहाँ से हम इको करा देते हैं डूइंग समथिंग एल्स। अब जब हम ये कोड और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था ऑब्जेक्ट बनाया था वो हम एक्स वाई जेड क्लास का बना देते हैं, फिर से फैटल आ रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड एक्स वाई जेड डू समथिंग इन वेरिएबल ऑन लाइन 22। फिर वही काम हो रहा है जो कि हमारा फोर इच में एरर आ रहा था कि जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, जबकि एरर आ रही है यहाँ पे ए बी सी पे डू समथिंग, यानी कि एक्स वाई जेड का वेरिएबल मिला उसमें डू समथिंग इसको फंक्शन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे तो डू समथिंग एल्स नाम का फंक्शन है। तो उसके लिए भी हम लोग फिर टाइप हिंटिंग कर सकते हैं क्लास की, कैसे, क्लास नेम के साथ। यहाँ पे आप दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट वन पास टू टेस्ट मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ ए बी सी इंस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड की वन। तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये आपने सिक्योरिटी मेजर देख लिया कि कोड आपका यहाँ तक पहुँचने की बजाय पहले यहीं पर हॉल्ट हो गया, और दूसरा एक इसका ये फ़ायदा है आपकी सिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं पर भी कुछ भी इंजेक्ट आप नहीं कर पाते हैं, मतलब गलती से भी आप कोई दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं। और तीसरा अगर आप कल को कोई मतलब कुछ टाइम के बाद अगर आपने कोड को रिव्यू कर रहे हैं आपने ये फंक्शन देखा, अब ये चीज़ आप क्लासेस में भी कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग देखेंगे, या शायद आपने देखा हो पहले कि वहाँ पे टाइप हिंटिंग की जाती है। उसका रीज़न यही है कि सिक्योरिटी, कि यहाँ पे जो वहाँ पे आप श्योर हो जाते हो, मान लीजिए आपने क्लास बनाई एक्स वाई जेड और इसमें आप ए बी सी क्लास यूज़ कर रहे हो और पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट में आपने ए बी सी टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसके साथ डॉलर दिस ए बी सी इज इक्वल टू डॉलर ए बी सी इस तरह का आप कुछ कर रहे हो। और फिर इन फंक्शंस में आप जैसे कि हमारा वो दूसरे एग्जाम्पल में पॉलीमॉर्फिज्म में हमने किया या डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने किया हुआ है, वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। वहाँ पे आपको श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ पे जो आएगा ऑब्जेक्ट रिसीव होगा इस ऑब्जेक्ट में वो फलाना फलाना जो फंक्शन है, मान लीजिए डू समथिंग है या डू समथिंग एल्स, यहाँ पे डू समथिंग फंक्शन है तो वो उसमें अवेलेबल होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो इस तरह की फेटल एरर आ जाएगी मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ ए बी सी। तो ये आप क्लास में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का एग्जाम्पल ले रहे थे। और दूसरा जब आप वहाँ पे कोड को रिव्यू करने जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं वो क्या है। मान लीजिए अभी यहाँ पे ए बी सी नहीं था और ए बी सी सिंपल रिसीव किया हुआ, तो अगर मैं कल को दोबारा से देखने जाऊँ तो मुझे हो सकता है याद ही ना रहे कि ये मैंने क्या रिसीव किया था, कहाँ से रिसीव किया था। लेकिन अगर ये ए बी सी लिखा हुआ है तो आपको श्योर हो जाओगे, आपको मतलब क्लियर हो जाएगा पिक्चर पर एक सेकंड में कि ये ए बी सी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें ये फलाना फलाना फंक्शन है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर आप ए बी सी क्लास खोल के एक मिनट में देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दोस्तों ये जो हमारा टाइप हिंटिंग है ये एरे के साथ हमने देख लिया,
क्लास के साथ देख लिया, और ये चीज़ इंटरफेस के साथ भी काम करती है। जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, पीएचपी का, वो सारा इसी पे ही डिपेंड है, एक तरह से आप कह सकते हो। इस ये उसके कोर में है, सारा इस पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये चीज़ उसके कोर में है। उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं इंटरफेस का। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस टेस्ट। इसमें आपने पब्लिक फंक्शन बनाया डू समथिंग, और इसमें आपने इम्प्लीमेंट कर दिया इम्प्लीमेंट्स टेस्ट। इंटरफेसेस के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स टेस्ट। और यहाँ पे आप फिर दे दीजिए इंटरफेस का नाम, इंस्टेड ऑफ क्लास नेम आप यहाँ पे इंटरफेस का नाम भी दे सकते हैं। तो जो जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी टेस्ट इंटरफेस को, वो सभी यहाँ पे आपकी चल जाएंगी। अब आपको ये एरर नहीं आएगी कि मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ एबीसी। अब देखिए, अब पहले एक दूसरी एरर आ गई, क्लास एक्स वाई जेड कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये इंटरफेस की एरर है। इसका मतलब ये है कि जो जो भी क्लास टेस्ट को इम्प्लीमेंट करती है उसमें ये फंक्शन, या इसके साथ इंटरफेस में जो जो भी फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो अब हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। डूइंग समथिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास, ये हम आइडेंटिफाई कर लें, ताकि डूइंग समथिंग फ्रॉम ए बी सी क्लास, इस तरह से। और अब आप देखिए डूइंग समथिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड क्लास, और यहीं पे अगर हम ए बी सी कर दें डूइंग समथिंग फ्रॉम ए बी सी क्लास, तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो हमने एक लॉगर का एग्जांपल लिया अपने दूसरे वीडियोस में, कि आप वो डीबी लॉगर हो या फाइल लॉगर हो, कैसा भी लॉगर हो, वो अगर लॉगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो वो सारा वो सब वहाँ एक्सेप्टेबल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे टेस्ट है कि टेस्ट इंटरफेस को अगर कोई भी इम्प्लीमेंट करती है क्लास, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और वो कोड सही चलेगा। तो ये होती है दोस्तों टाइप हिंटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी और मैं आपको समझा पाया हूँगा, और अगर कोई कमी रहेगी हो आपके दिमाग में, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और हमारे नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।